हम आपको काली मिर्च के औषधीय गुणों के बारे में बताएंगे। काली मिर्च का प्रयोग जहां स्वादिष्ट व्यंजनों को बनाने में किया जाता है, वहीं दूसरी ओर इसका इस्तेमाल विभिन्न विकारों की दवाइयां बनाने में भी किया जाता है। काली मिर्च कफ खांसी को ठीक करने के लिए बहुत उपयोगी है। आँखों की रोशनी के लिए भी यह बहुत गुणकारी होती है। मलेरिया में भी काली मिर्च के सेवन से बहुत लाभ मिलता है। आइए हम काली मिर्च के कुछ घरेलू नुस्खे आपको बताते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होते हैं। 2 ग्राम काली मिर्च का पाउडर गुड़ के साथ मिलाकर खाने से जुकाम जल्दी ठीक हो जाता है। काली मिर्च को पीसकर दही में मिलाकर गुड़ के साथ सेवन करने से नाक से होने वाला रक्त स्राव बंद हो जाता है। नींबू और अदरक के 5-5 ग्राम रस में 1 ग्राम काली मिर्च का पाउडर मिलाकर सेवन करने से पेट का दर्द शीघ्र ठीक होता है। काली मिर्च को घी में घिसकर बूंद बूंद नाक में टपकाने से आधा सर का दर्द माइग्रेन ठीक होता है। सुबह सुबह गर्म पानी के साथ काली मिर्च का सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा ये हमारे बॉडी सेल्स को भी पोषण देने का काम करती है। खांसी होने पर आधा काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच शहद मिलाकर दिन में 3-4 बार खाने से खांसी दूर होती है। गैस की शिकायत होने पर भी 1 कप पानी में आधे नींबू का रस डालकर आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच काला नमक मिलाकर रोज दिन में सेवन करने से गैस की दिक्कत दूर होती है। काली मिर्च को बारीक पीसकर घी में मिलाकर चेहरे पर लेप लगाएं। इससे फोड़े, फुंसी, दांत जैसे रोग आसानी से ठीक हो जाते हैं। काली मिर्च के 5 दाने, अजवाइन 1 ग्राम और हरी गिलोय 10 ग्राम लेकर सबको 100 ग्राम पानी में उबालकर छानकर सुबह शाम पीने से मलेरिया बुखार ठीक हो जाता है। काली मिर्च और शरीफे के बीज पीसकर घी में मिलाकर बालों में लगाने और 1.5-2 घंटे बाद सिर धोने से जुएं ठीक हो जाती हैं। रोजाना काली मिर्च का सेवन करने से चेहरे के दाग धब्बे भी ठीक हो जाते हैं। गठिया रोग में दर्द कम करने के लिए तिल के गर्म तेल में काली मिर्च को डालकर उसे ठंडा कर लें और बाद में उस तेल से गठिया वाली जगह पर मालिश करें। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा।